तो स्वागत है बच्चों आप लोगों का आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में। हम लोग क्लास सेवन्थ के प्राणियों में पोषण वाले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये आपके आगे भी जो चैप्टर है इसके जो पार्ट्स होते हैं वो बड़ी क्लासेस में अपर लेवल के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं इनको आप ध्यान से देखिए, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो सके और कहीं भी कोई दिक्कत आती है, डाउट सेक्शन बना हुआ है, वहाँ जा कर के आप हमसे जो सवाल है वो पूछ सकते हो। तो बच्चों आप ये देख रहे हो आपके सामने जो मानव है उसका ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जो पाचन तंत्र होता है। क्या है बच्चों ये पाचन तंत्र का ये एक डायग्राम है, चित्र बनाया है हम लोगों ने, किस तरह से अलग अलग अंग शरीर के अंदर लगे हुए होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, शॉर्ट के अंदर चीज़ें बताई थी। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे इन अलग ये जो अंग हैं अलग अलग किस तरह काम करते हैं, इनका क्या काम होता है और ये किस तरह आपस के अंदर जुड़े हुए। आप इस डायग्राम को एक बार देखिए ध्यान से। तो मुख सबसे पहले ध्यान से आप देख रहे होंगे, मुख जहाँ से भोजन आपके शरीर में जाता है, कल मैंने इसके बारे में बताया था। तो मुख से ये शुरू होता है और नीचे देख सकते हो आप यहाँ पर गुदा खंड की ओर जाकर के ये हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, ये जो पाचन तंत्र है, ये खत्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप सबको पता है जो भोजन होता है हाथों के द्वारा, भोजन को हम मुख के अंदर लेते हैं, मुख में ग्रहण करते हैं। अब ये भोजन को शरीर में लेने वाली जो क्रिया है ना, इसकी परिभाषा भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, जिसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, जिसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। अंतः का अर्थ क्या है, अंदर। ग्रहण का अर्थ लेना या उसको सब खुद के अंदर, शरीर के अंदर खाना या समावेशित करना। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। आप लिखोगे क्या एग्जाम में, पूछ सकते हैं आपको अंतःग्रहण किसे कहते हैं, समझाइए। मानव द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना या मुख में ग्रहण करना या मुख में लेना अंतःग्रहण कहलाता है। मानव के द्वारा भोजन को अपने मुख में ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है। ये इस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में पाचन की जो क्रिया होती है उसका प्रारंभ होता है, ये वहाँ से शुरू होती है। तो अंतःग्रहण की क्रिया में क्या होता है बच्चों, हम भोजन को हमारे मुख में धारण करते हैं, वहाँ से भोजन का जो पाचन होता है वो शुरू होता है। आप मुख देख सकते हो आपके शरीर में, जो मुख होता है वहाँ से आप भोजन मुख के अंदर ग्रहण करते हो, ठीक है। जब आपने मुख के अंदर भोजन को ग्रहण कर लिया, उसके बाद में काम शुरू होता है जीभ का। बोर्ड के ऊपर देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको गोला करके बता रहा हूँ। जीभ का देखिए, आपके शरीर में जो जीभ होती है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये जीभ बोलने के अलावा और भी बहुत से काम करती है। बोलने में तो आपकी हेल्प करती ही है, आप लोगों को पता होगा कि आप जब जो शब्द बोलते हो, मैं जो बोल रहा हूँ, वो सब काम जीभ के द्वारा किया जा रहा है। अब बोलने के अलावा है ना, जीभ के कुछ और भी काम होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये देखिए, लार मिलाना। लार समझ गए, आपके मुख के अंदर चारों ओर जब भोजन आप ग्रहण करते हो, चारों ओर से जो पानी निकलता, जो लार निकलती है ना, जो लस लसी लार होती है, वो इसी जीभ के द्वारा, इसके ऊपर आप गौर से देखोगे ना तो आपको छोटे 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 छेद दिखाई देंगे। वो लार ग्रंथियों के भाग होते हैं और उन्हीं छिद्रों के द्वारा इस लार का उत्सर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, लार का उत्सर्जन। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों का क्या कार्य है, तो काम क्या होगा, लार का उत्सर्जन करके भोजन को लसलसा बनाना। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, ये छिद्र क्या करते हैं, लार निकालते हैं। और वो जो लार होती है वो आपके मुख में गए हुए भोजन, मान लो ये भोजन यहाँ गया है, और लार क्या करेगी, इसके अंदर आकर के मिल जाती है और इस भोजन को क्या कर देती है बच्चों, लसलसा बना देती है, इसकी एक लुगदी सी बना देती है, ताकि आप इसे आसानी से निगल सको। एक तो ये काम हो गया बोलने का, लार मिलाने का। तीसरा काम क्या है देखिए बच्चों, स्वाद लेना। क्या बच्चों, स्वाद लेना। स्वाद का पता आपको जीभ के द्वारा ही चलता है ना, पता होगा आप लोगों को कि जितने भी स्वाद होते हैं उन सब का पता आप जीभ के द्वारा, मीठा खा रहे हो तो वो जीभ की जो ग्रंथियां होती हैं, श्रोणि जो ग्रंथियां आपके जीभ के अंदर जो स्वाद लेती हैं, ठीक है,
वो किसके द्वारा होगा? लार ग्रंथियों के द्वारा, इन्हें जीभ के द्वारा, सॉरी। तो जीभ क्या करती है? स्वाद लेने में, तीखा है तो तीखे का पता लगाना, मीठा है तो मीठे का पता लगाना, कोई और भी जो स्वाद होता है उन सब का पता, खट्टा है तो खट्टे का पता लगाना, ये सारा काम हमारी जीभ के द्वारा किया जाता है। अब स्वाद लेना, लार मिलाना और बोलना, ये तीन काम इसके परफेक्ट हो गए। यहाँ पर ये काम कौन करती है? हमारी जीभ करती है। अब जीभ का काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मान लो भोजन मुख में गया, मुख के अंदर जाने के बाद में इसके अंदर लार जो है जीभ के द्वारा मिला दी गई, और जब लार जीभ के द्वारा मिला दी गई तो भोजन लसलसा हो गया, इसकी लुगदी सी बन गई। अब क्या होगा कि ये जो जीभ है ना, हम निगल लेते हैं उस भोजन को, ठीक है। अब जीभ ही क्या करती है, उसको निगलने में सहायता प्रदान करती है। और जब हम निगलते हैं तो ये भोजन देखिए यहाँ से नीचे की ओर चला आता है, किसमें? ये देखिए, ये ग्रसिका में। किसमें आता है बच्चों? ग्रसिका में चला आता है। अब इस ग्रसिका का एक नाम और है भोजन नली। नाम देखिएगा, भोजन नली। तो भोजन नली नाम क्यों पड़ा? ये जो आपने भोजन देखा है, यहाँ से मुख के अंदर आपने इस भोजन को चबाया और दांतों के द्वारा इसको छोटे 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 टुकड़ों में काट करके लार के द्वारा इसको लुगदी बना के हमने ग्रसनी किया, ग्रसिका के द्वारा हमने क्या किया, इसको ग्रहण किया। तो ये देखिए आप डायग्राम देखिए, आप चाहो ना तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके सामने ये बेटर ऑप्शन है, ताकि जब भी कभी आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप ये स्क्रीनशॉट निकालो, इसको देख लो। तो ये जो ग्रसिका है ना, यहाँ पर ये भोजन धीरे धीरे ग्रसिका में आना शुरू हो जाता है, और भोजन की यहाँ पर उपस्थिति होने के कारण ही इस ग्रसिका को भोजन नली कहा जाता है। अब ग्रसिका क्या करती है, देखिए, निगलने के बाद भोजन ग्रसिका में जाता है, जिसके कारण ये देखिए, ये है ग्रसिका की दीवारें जो मैंने लाइन बना करके दिखाई है। जैसे ही भोजन ग्रसिका के अंदर आता है, इन दीवारों में संकुचन खिंचाव आता है। क्या आता है बच्चों? एक खिंचाव आता है, इनकी जो ये दीवारें हैं ऊपर की ओर, कभी इसे नीचे की ओर, इस तरह से इनके अंदर इसे संकुचन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो भोजन होता है ना, इसके अंदर अटकता नहीं, नीचे की ओर इसे संकुचन होने के कारण खिसकता चला जाता है। एक तो लार मिल गई थी, लार मिलने से वो वैसे ही लसलसा हो गया, दूसरा इसके अंदर संकुचन हुआ, खिंचाव आया, ये आगे पीछे की ओर इसे खिसकी, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो भोजन है ना और नीचे की ओर खिसकता चला गया। ये देखिए, इनमें संकुचन होता है और भोजन नीचे अमाशय में चला जाता है। यहाँ पर नीचे की ओर अमाशय बना हुआ है, मैंने डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ये देखिए अमाशय, ये यहाँ पर आकर के भोजन एकत्रित हो जाता है और ये नलिका यहाँ पर ये जुड़ी हुई होती है, देखिए। हाँ, तो ये भोजन के जो है वो कहाँ आ गया, आपके अमाशय में। अब इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है हमारे अमाशय का। देखिए, जो भोजन है दांत के द्वारा टूट करके आपकी ग्रसिका से होता हुआ संकुचन के कारण कहाँ पहुँच गया, अमाशय में पहुँच गया। इतनी क्रिया आपको समझ में आई? सबसे पहले मुंह के अंदर भोजन रखा, मुख से दांत ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, वो जो टुकड़े हैं ना वो लार ग्रंथियों के द्वारा उनकी लुगदी बना ली गई, और वो जो लुगदी है नीचे खिसकते हुए ग्रसिका के द्वारा अमाशय में चली गई। अमाशय के अंदर बहुत से काम होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो अमाशय क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो अमाशय देखिए, यह थैलीनुमा चपटा और जे आकृति का होता है। आप इस डायग्राम को देखिए, ये देखिए जे की याद आ रही है ना, यहाँ पर ये बना हुआ, ये इस तरह से देखिए जे, देखिए डायग्राम को देखिए एक बार, ये इतना इतना ही है सिर्फ अमाशय यहाँ पर। तो अमाशय की आकृति कैसी है, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द जो अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, उस जे की अकॉर्डिंग इसकी आकृति होती है, और ये थैलीनुमा होता है और उसी के साथ साथ ये चपटा भी होता है। थैली आपने देखी, जिस तरह थैली के अंदर हम सामान डालते हैं, उसी तरह इसके अंदर भी भोजन भरा हुआ रहता है। अब जो अमाशय है ना, इसकी आंतरिक भाग में HCL और अन्य पाचक रस होते हैं। HCL क्या होता है भाई, कोई बता सकता है क्या? कुछ अगर आता है आपको आता है तो कमेंट कीजिए, कौन सा होता है HCL? हाइड्रोक्सी अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल। तो HCL का अर्थ क्या हुआ बच्चों? हाइड्रोक्सिक अम्ल, ठीक है। अब ये जो अम्ल होता है, और यह अम्ल दूसरों के या दूसरे एंजाइम्स के साथ, दूसरे अम्लों के साथ, दूसरे रसों के साथ मिलकर के भोजन को पचाने में सहायता करता है।
एच का यहाँ पर अर्थ है हाइड्रोक्सी सीएल क्लोराइड, हाइड्रोक्सी क्लोराइड अम्ल या फिर हाइड्रोक्सी अम्ल भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, इतना डिटेल में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हाइड्रोक्सी अम्ल और अन्य पाचक रस मिलकर के क्या करते हैं, आपके शरीर में भोजन को पचाने सहायता प्रदान करते हैं। और तो और यही जो अम्ल होते हैं ना, ये मिलकर के भोजन को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। कौन से अणुओं में? सरल अणुओं में। देखिए भोजन जो है वो यहाँ आकर के एकत्रित हो गया, यहाँ आकर के इकट्ठा हो गया। अब ये अम्ल इसके अंदर मिलना शुरू होते हैं और जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम यहाँ पर किया जाता है। अब एक काम और यहाँ पर होता है बच्चों, देखिए जब कभी कोई मनुष्य कोई दूषित भोजन खा जाता है या कुछ ऐसी अनहाइजीनिक चीज़ें जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होती है वो खा जाता है, तो वो आपके शरीर में जा कर के आपके अमाशय में वो इकट्ठा हो जाती है। क्या हो जाती है? आपके अमाशय में इकट्ठा हो जाती है। अब बात यह है कि वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो अमाशय क्या करता है? उसको वहीं पर नष्ट करने का काम शुरू कर देता है। क्या करता है बच्चों? उसको वहीं पर नष्ट करने का काम शुरू कर देता है। तो ये जो अम्ल होते हैं ना, उन सभी को मारने का, उन सभी को नष्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? उन सभी को नष्ट करने का। मान लो कोई बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, और वो आपके शरीर में चला गया है, तो ये क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य शुरू कर देता है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है बच्चों, आप गौर कीजिएगा कि मान लो आपके शरीर में वो हार्मफुल बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गए, तो वो क्या करेंगे? आपके शरीर के अलग अलग भागों में पहुँच कर के कोई विकार पैदा कर देते हैं, कोई हानि पहुंचाना शुरू कर देते, इसलिए इनको नष्ट करना ज़रूरी होता है। मान लो भोजन के अंदर कोई हानिकारक जो जीवाणु है या वो शरीर के अंदर पहुँच गया, अब वो अलग अलग अंगों में जाकर के क्या करेगा? नुकसान ही करेगा। सिंपल सी बात है, ये आप सब लोग जानते हो, तो वो नुकसान न पहुंचा। इसलिए ये जो अम्ल होते हैं ना, वो अतिशीघ्र जो अपनी क्रियाओं को बढ़ा करके क्या करते हैं, उन सभी को नष्ट करते हैं और शुद्ध भोजन का ही पाचन प्रारंभ वहाँ पर करते हैं, ताकि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया शरीर के आगे जाकर के वहाँ नुकसान ना पहुँचाए। तो इस तरह क्या होता है, ये जो अमाशय होता है वो आपके शरीर की एक तरह से रक्षा करने में भी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अंगों को ये रोगों से मुक्त रखता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बैक्टीरिया अगर कोई चला गया है, हार्मफुल जीवाणु शरीर में प्रविष्ट हो गया है, तो उसको मारने का काम अम्लों के द्वारा, अमाशय के द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो अमाशय होता है वो आपके शरीर के लिए एक भोजन के पाचन के साथ साथ जीवाणु नष्ट करने में भी लाभप्रद होता है। अब देखिए ये जो अमाशय है, देखिए मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मान लो ये आपका अमाशय हो गया, ठीक है। अब इसकी ये भित्तियां हैं, देखिए इन भित्तियों के ऊपर इस तरह से दाने लगे होते हैं, नलिकाएं छिद्र होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि मान लो जो भोजन शरीर में आया, भोजन इस अमाशय में आ गया, तो ये रस का स्त्रवण करते हैं इस तरह से, और ये रस किस में मिल रहे हैं? भोजन के अंदर मिल रहे हैं। पित्तरस पित्ताशय के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, HCl या फिर अन्य जो पाचक रस होते हैं वो हमारे इस अमाशय के अंदर, इन अमाशय के ऊपर उपस्थित, यानी कि अमाशय की दीवारों के ऊपर उपस्थित इन्हीं छिद्रों के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। और ये सारे के सारे रस क्या होते हैं बच्चों? भोजन के अंदर जा कर के मिलना प्रारंभ कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि ये भोजन जो होते हैं ना, वो जटिल से सरल अणु में, जटिल से सरल अणुओं में टूट जाते हैं। अब जब ये सरल अणु में टूट गए, तो यहाँ पर जो नलिकाएं जुड़ी हुई होती हैं, इन नलिकाओं के द्वारा आवश्यक रसों को आगे की ओर भेज दिया जाता है, ठीक है। इस अमाशय के अंदर भोजन को तोड़ करके और सरल अणुओं में तोड़ करके रस में बदल लिया जाता है, और ये रस नलिकाओं के द्वारा शरीर के अलग अलग भागों में, अलग अलग अंगों में पहुंचा दिया जाता है ऊर्जा के लिए, और जो भाग अपशिष्ट के रूप में रहता है उसे ये मल द्वार की ओर धकेल देते हैं, ताकि अपशिष्ट वहाँ से बाहर निकल सके।
अमाशय का एक भाग आप देखिए, अमाशय का एक भाग ग्रसिका से जुड़ा होता है, दूसरा क्षुद्रांत से। नीचे मैंने नाम लिखा है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के द्वारा ये जुड़ा होता है। अब ये क्या होता है, इसकी चर्चा अगली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अमाशय तक ही पढ़ेंगे। इसके नीचे वाले अंग हमें अगले पार्ट के अंदर जा कर के कैप्चर करेंगे। तो अब आपके हमें दांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। दांत शरीर के अंदर कितने प्रकार के होते हैं और ये काम किस तरह अपना पूरा करते हैं। दांत जानते हो बच्चों कितने प्रकार के होते हैं शरीर में, कोई बता सकता है क्या दांत कितने तरह के हैं? नहीं जानते, चलिए मैं बताता हूँ। आपके मुख में चार तरह के दांत होते हैं। दांतों के भी प्रकार हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चार प्रकार के दांत हैं, कृतनक, रदनक, बाद में आते हैं आपके चर्वणक, और जो आखिरी पार्ट है इसका वो है अग्रचर्वणक। अग्र चर्वणक, कितने भाग हो गए दांत के? चार भाग हो गए। कृतनक यानी काटना, रदनक रदना यानी कि फाड़ना, काटने का, भोजन को फाड़ने का, और ये दोनों दांत चबाने में हेल्प करते हैं। तो दांत के बच्चों कितने प्रकार देख लिए आप लोगों ने? चार प्रकार देख लिए, कृतनक, रदनक, चरुणक और अग्रचरुणक। ये चार आपके दांतों के प्रकार होते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके जो भी पढ़ना पड़े, जब आपको देखना हो तो आपके कोई दिक्कत ना आए। तो ये चार भाग होते हैं दांतों के, ठीक है। अब दांत जैसे हम आपके काटने वाले दांतों की बात करते, जैसे आप भोजन को मुख में लेते हो, भोजन के निवाले को आप ग्रहण करते हो, तो दांत क्या करता है बच्चों? ये कृतनक दांत आगे वाले मिलकर के भोजन को जल्दी जल्दी काटते हैं। रदनक दांत भोजन को फाड़ने का, मान लो जो आपने कोई रोटी का जो अगर टुकड़ा खाया है तो उसको बीच में से चीरने का, फिर कर्तनक दांत उनको कार दबा के काटने का, फिर चरणक और अग्रचरणक इनको अच्छे से चबा करके एकदम बारीक करने का काम कर रहे हैं। और जो लार होती है वो उन्हीं के द्वारा हेल्प कर रही है, जो जीभ है, जीभ की लार ग्रंथियाँ एक्टिव हो गई, और एक्टिव होने के बाद में वो क्या करती, इसमें लार मिलाना शुरू कर देती हैं। क्या मिलाती है इसमें? लार मिलाती है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन लसलसा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और ये दोनों सब मिलकर के क्या करते हैं बच्चों, आपके भोजन को लसलसा करके नीचे ग्रसिका की ओर धकेल देते हैं, ताकि भोजन आगे कहाँ पहुँच सके, आपके अमाशय में जा सके। और अमाशय के अंदर मैंने फिर से बताया है, बार बार बता रहा हूँ, पाचक एंजाइम मिलकर के क्या करते हैं, भोजन को और ज़्यादा पतला या फिर और ज़्यादा उसके लिक्विड को फॉर्म डाइट्स के अंदर उसको बदल देते हैं, ताकि उसका पाचन हो सके, वो आसानी से जटिल से सरल अणुओं में और टूट सके। तो इस तरह से ये सारे के सारे अंग मिलकर के बच्चों क्या करते हैं, भोजन को पचित करने में, भोजन को पचाने में आपकी हेल्प करते हैं। अब ये सारा काम होते हुए फिर आगे क्या आता है, आगे और भी अंग दिए हुए हैं, जिनके बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये हम लाइन से जब लेकर के चलेंगे, ये वीडियो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपसे मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी यही गुजारिश है कि इन वीडियोज़ को आप क्रम से देखिए। अगर आपने क्रम छोड़ दिया, मान लो कोई बच्चा आ रहा है सीधा तीसरा पार्ट देखेगा, तो पहले दो पार्ट मैंने क्या बताया वो सब कुछ उसके क्लियर हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखते हो ना, तो आपके जो पहले वाले भाग हैं वो समझ में नहीं आते। अब होता क्या है कि जब हमने एक एक करके क्रम से सारी चीज़ों को देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो क्या होता है, आपकी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर एक बार में आपकी समझ में नहीं आए, वीडियो को बार बार देखो, उसका कोई चार्ज नहीं है आपकी, तो आप अगर वीडियो को बार बार देखोगे तो आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, आपकी चीज़ों के ऊपर ध्यान जाएगा। फिर भी नहीं आता, लिख करके देखो, किसी का भी चाहे वीडियो हो, अगर मैथ्स का आ रहा है तो बार बार देखो, क्योंकि एक बार में चीज़ें कभी भी समझ में नहीं आती, उनको बार बार समझना पड़ता है। अगर कहीं कुछ भी दिक्कत आती है, हमने हमारे ऐप के अंदर एक डाउट सेक्शन बनाया हुआ है। उस डाउट सेक्शन का काम क्या है बच्चों, वो आप जाकर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है, वहाँ आपके लिखना है उसको केवल, और उसको पोस्ट कर देना, वो हम तक आएगा, और हमारा फिर काम है उसका आपको तुरंत जवाब देना। जितना पॉसिबल होगा उतना जल्दी हम आप लोगों को उसका जवाब देंगे, ताकि आपकी चीज़ें समझ में आए, आपके कोई संशय ना रहे कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं, हम सर से पूछे कैसे, हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। नहीं, वो कोई चीज़ नहीं, आदर्श ने ये चीज़ें सारी ख़त्म कर दी हैं आपके लिए। हम
उसी तरह की क्लास अरेंज कर रहे हैं जिस तरह आप ऑफलाइन मोड में पढ़ते हो, आपकी ये समस्या न हो कि सर सामने नहीं हम पूछेंगे कैसे, तो आप, हमने आप लोगों के लिए डाउट सेक्शन का प्रबंधन किया है ताकि आप वहाँ जाकर के उन चीज़ों को लिखिए, कोई मन में सवाल आ रहा है वो वहाँ पर पूछिए, हम उनका आपको जवाब दे सकें। अगर आपको और भी कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, आपकी कोई ऐप चलाने में कोई समस्या आ रही है, हमने हमारे आदर्श के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं बच्चों, आप वहाँ से टेक्निकल टीम को फ़ोन करके पूछ सकते हो, चाहे कोई भी समस्या हो आपके वहाँ पर आपको हल दिया जाएगा। और चैप्टर हमारा ये कंटिन्यू धीरे धीरे प्रगति पर है, आने वाले दो वीडियो में या अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लोग बच्चों इन वीडियोस को ध्यान से देखो, अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने की इच्छुक है मगर इस COVID-19 के प्रकोप के कारण पढ़ नहीं पा रहे, तो आप उनको भी ये सूचना दो कि आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप इनसे जुड़िए, आप इससे जुड़ो, इसके डेमो लो, आपको अगर चीज़ें अच्छी लगती है तो आप इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि जो ये समय चल रहा है काफ़ी कठिन है बच्चों। और स्कूलों का अभी तक जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी तक तो उनकी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि कब ये खुलने वाली है, कभी अगस्त का बोल रहे हैं, कभी ये सितंबर का बोल रहे हैं, तो आप लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए आदर्श ने ये पहल की, आप इससे जुड़ें, ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं, आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें, चीज़ों को समझें। और अगर इस चीज़ों को, अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, आपके जितने भी डाउट हैं क्लियर होंगे। और हमारी आदर्श की पूरी टीम यहाँ बैठी आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए, आप उनसे भी हेल्प हमारी, या आप जो कोई भी मन में प्रश्न होता है उनसे पूछ सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो। तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार मैं स्क्रीन शॉट का जिक्र इसलिए करता हूँ ताकि आपको अगर कोई समस्या रहेगी तो आप वापस ऐप पे जाके उन वीडियो तक न पहुँचे, आप डायरेक्ट स्क्रीन शॉट के थ्रू उन चीज़ों को समझ सको और आपकी चीज़ें दिमाग में रहे और आप इन चीज़ों के बारे में जान सको। इसलिए आपके मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मैं कोई डायग्राम के थ्रू किसी चीज़ को समझा रहा हूँ तो उसका स्क्रीन शॉट लेकर के अपने डिवाइस में रख लीजिए ताकि जब भी कोई दिक्कत आए आप वहीं से स्क्रीन शॉट के थ्रू उन चीज़ों को पढ़ सकूँ। तो आप अगली वीडियो में हम हमारे डाइजेस्ट सिस्टम या पाचन तंत्र के अगले अंगों को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही होगी, आप वीडियो को पहले मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो। अगली वीडियो में हम आगे वाले अंगों की क्रियाओं को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।